गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक थ्योरी की, यानी जो भी प्लास्टिक थ्योरी है उसकी पूरी की पूरी थियोरेटिकल जो भी पार्ट है वो पूरा पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, व्हाट इज कोलैप्स लोड, व्हाट इज शेप फैक्टर। ओके, सो देखो मैंने प्लास्टिक थ्योरी क्या है, किस तरह है, ये आपको पूरा का पूरा समझा के दिया था, वही यहाँ पे पूरा लिख के है। ओके, ये यहाँ पे डिस्क्राइब करके है। ओके, बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस तरह है कि सबसे पहले अपना यील्ड स्ट्रेस पे जाता है, देन लोअर यील्ड पॉइंट आता है, देन प्लास्टिक पॉइंट जाता है, देन अपर यील्ड पॉइंट जाता है, तो दैट इज यील्ड अल्टीमेट पॉइंट जाता है, अल्टीमेट पॉइंट के बाद दैट इज ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, तो ये स्ट्रेसन डायग्राम, तो ये सीडी जो है दैट इज हार्डनिंग जोन हार्डनिंग, एंड बीसी इट इज प्लास्टिक स्ट्रेंथ। तो इसको मैं इस तरह, बीसी को मैं इस तरह लिख सकता, ये से एकदम सेम स्ट्रेस, बाद में ये तो इलास्टोप्लास्टिक। मैंने आपको बताया है इलास्टोप्लास्टिक, कैसी इलास्टोप्लास्टिक होता, कैसी टोटली प्लास्टिक होता, ये हमने बेसिक जो भी है ये हमने डिस्कस किया है क्लास में। ओके, तो अभी कैसी है कि पूरे केसेस जो भी है वो क्लियर हो गए, टोटल केसेस क्या थे, किस तरह थे, ये सभी केसेस आपके हो गए थे। तो आपको ये मैं ऐसे की बुक जो है ये मैं आपके इस पे डाल देता, क्या पे ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, तो वहां पे चैप्टर नंबर 8 आपको ये थ्योरी पूरी की पूरी पढ़ना है। ओके, थ्योरी पूरी की पूरी आपको पढ़ना है, तो आप इसके साथ गेट का भी कर पाओगे टोटली। ओके, गेट का भी आप कर पाओगे। अप्लीकेबल सिंपल प्लास्टिक थ्योरी, अप्लीकेबिलिटी सिंपल प्लास्टिक थ्योरी, कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबिलिटी है। ओके, एल्यूमिनियम अला है, तो ये भी आपको जो भी मटेरियल्स है वो मटेरियल्स पे अपने को देखना पड़ेगा। हाई टेंसल स्टील नॉट अप्लीकेबल, हाई टेंसल स्टील पे नॉट अप्लीकेबल है। क्यों नॉट अप्लीकेबल है, एज दिस मटेरियल डज नॉट पॉसेस अ वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट, वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं है, इसलिए हाई डिफाइंड स्टील पे ये नहीं है, यानी क्या बोलते हैं आप, अप्लीकेबल नहीं है। आरसीसी पे, आरसीसी कैन बी अप्लाइड, आरसीसी कैन बी अप्लाइड इन द मैनर डिफरेंट टू दैट स्टील विथ लिमिटेशन ऑफ रोटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ रोटेशंस। ओके, ब्रास कांट बी अप्लाई, ब्रिटल मटेरियल है, ब्रास पे भी कांट बी अप्लाइड है, ब्रास पे भी कांट बी अप्लाइड है, जहां पे प्लास्टिक रेंज रहेगी वहां पे अप्लाइड है, माइल्ड स्टील पे अप्लाइड है। ओके, हाई टेंसाइल स्टील पे अप्लाइड नहीं है, जो हम यहाँ पे अप्लाई यानी ये करते हैं, कहाँ पे हाई टेंसाइल स्टील एकदम प्रिस्ट्रेस में हम यूज करते हैं, प्रिस्ट्रेसिंग में हाई टेंसाइल स्टील। ओके, वहां पे अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डज नॉट एग्जिस्ट, यानी हॉरिजेंटल पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यहाँ पे हॉरिजेंटल पार्ट, हाई टेंसाइल स्टील में हॉरिजेंटल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वहां पे अप्लीकेबल नहीं है। प्लास्टिक थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट एंड फटिक लोड, इम्पैक्ट लोड एंड फटिक लोड के लिए, अब यानी ये नहीं है, जहाँ पे इम्पैक्ट लोडिंग होती है, इम्पैक्ट लोडिंग एंड फटिक लोडिंग, इम्पैक्ट लोडिंग कहाँ पे होती है, इम्पैक्ट लोडिंग आपकी होती है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में ये नहीं है, यानी क्या बोलते हैं आपका यूज नहीं होगा। अब ये इसका डिफॉर्मेशन किस तरह हो रहा, ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने आपको बताया है। ओके, ये मैंने आपको अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बताया है, दिस पॉइंट्स वी आर डिस्कस्ड बिफोर। ओके, अजम्पशंस, अजम्पशंस भी आप वंस एक बार पढ़ लो, यहाँ से गो थ्रू हो जाओ। देन व्हाट इज द प्लास्टिक हिंज, अब यहाँ पे प्लास्टिक हिंज यानी प्रिज्मेटिक बीम शोन इन फिगर कंसिडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे एक हिंज देके है और ये रोलर है और ये एक हिंज है। The structure is unstable. Obviously, structure is unstable. Why? यहाँ पे एक hinge है. Okay. The bending moment in zero at supports and at internal hinge. Yes, exactly. Bending moment zero है. It is a mechanism. It is mechanism. Mechanism है क्या है? नहीं, mechanism नहीं है. It is statically indeterminate structure. नहीं, statically indeterminate structure नहीं है. देखो, answer कौन सा है? Answer it is only क्या बोला है आपको, आपको बोला है शोन इन द फिगर कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करो, ऐसी बोला है, विच इज द स्टेटमेंट बिलो अबो इज
करेक्ट करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है? तो बी बी बोला है करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 2 3। अब 1 अनस्टेबल क्यों है? अरे बाबा हिंज होगा तो टूट जाएगा, अनस्टेबल है ओके, क्योंकि यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे रोलर है, यानी यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे हिंज है, तो ये टूटेगा तो नीचे गिर जाएगा डायरेक्टली, कोलैप्स कंडीशन में हो जाएगा, तो कोलैप्स में हो जाएगा इसलिए अनस्टेबल है। द बेंडिंग मोमेंट एट जीरो एट सपोर्ट बराबर है, इंटरनल हिंज में भी बेंडिंग मोमेंट जीरो है, और इट इज अ मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म यानी क्या है, मैकेनिज्म यानी क्या है? अभी तक जो भी हमने डायग्राम कोलैप्स डायग्राम बनाया है दैट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म। कोलैप्स डायग्राम जो भी हमने बनाया है दैट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म। मुझे मैकेनिज्म ही सिखाना है आज कि व्हाट इज मैकेनिज्म एंड व्हाट वी डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म, ये सब कुछ हम अभी देखने वाले हैं ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, स्टैटिक इंटरमेंसी इट इज इक्वल्स टू जीरो ओके। सो अगर मैं हिंज का माइनस करता हूँ, हिंज का इक्वेशन में माइनस करता हूँ तो माइनस वन में आऊंगा, डीएस यानी निगेटिव, निगेटिव है यानी निगेटिव स्टैटिक इंटरमेंसी यानी क्या होगा, अनस्टेबल ओके। द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज मैकेनिज्म, अनस्टेबल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज मैकेनिज्म, यानी अनस्टेबल स्ट्रक्चर जो भी होगा उसको मैं क्या बोल सकता, मैकेनिज्म बोल सकता। अनस्टेबल स्ट्रक्चर जो भी होगा, कोलैप्स कंडीशन में जो भी मेरा स्ट्रक्चर होगा वो मेरा मैकेनिज्म हो सकता ओके, दैट इज माय मैकेनिज्म। व्हाट इज माय प्लास्टिक मॉडुलस, ये मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया प्लास्टिक मॉडुलस, प्लास्टिक मॉडुलस के बारे में बहुत अच्छे से अपन ने देख लिया, प्लीज आप इससे गो थ्रू हो जाओ ओके। ए इंटू वाई वन यानी वाई सी प्लस वाई टी डिवाइड बाई टू, ए बाई टू इंटू वाई सी प्लस वाई टी डिवाइड बाई टू, यही यहाँ पे बोला गया ओके। व्हाट इज प्लास्टिक मोमेंट, एम पी इट इज इक्वल्स टू एफ वाई इंटू जेड पी, ये भी हमने देखा है। व्हाट इज प्लास्टिक हिंज, नाउ वी कंसिडर, अभी जब हमने प्लास्टिक हिंज के बारे में पढ़ा है तो वो प्लास्टिक हिंज है क्या, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जब भी फेल्योर कंडीशन में मेरा आएगा, फेल होगा, और जहाँ पे मेरा मोमेंट ले सकता है, मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, मोमेंट रिस्ट्रेंड कर सकता है, वहां पे ही मेरा प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा। जहाँ पे मेरा मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर सकता है वहां पे मेरा प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होगा ओके। वही यहाँ पे बोला है, देखो द प्लास्टिक हिंज इट्स डिफाइंड एज अ यील्डेड जोन, यील्डेड जोन ओके, यील्डेड जोन जहाँ पे क्रैकिंग फॉर्म हो सकता है, यील्डिंग यील्डिंग कहाँ पे होंगी, जहाँ पे क्रैक फॉर्म होगा वहाँ पे यील्डिंग फॉर्म होगी गाइस। सो यील्डेड जोन ड्यू टू फ्लक्चर इन स्ट्रक्चर, फ्लक्चरर, फ्लक्चर इन स्ट्रक्चर, बेंडिंग, फ्लक्चर यानी क्या, बेंडिंग, बेंडिंग इन स्ट्रक्चर ओके, बेंडिंग इन स्ट्रक्चर, बेंडिंग कौन सा, फेल्यूर वाला बेंडिंग ओके, फेल्यूर वाला फ्लक्चर, फेल्यूर वाला बेंडिंग ओके, इन विच इनफाइनेट रोटेशन, इनफाइनेट रोटेशन बहुत सारे रोटेशन हो सकते हैं, कैन टेक प्लेस, इनफाइनाइट रोटेशन कैन टेक प्लेस एट ए कांस्टेंट रिस्ट्रेनिंग मोमेंट एमपी, कांस्टेंट रिस्ट्रेनिंग मोमेंट, एक ही मोमेंट है एमपी, कौन सा वाला मोमेंट है, जब टूटेगा वो वाला मोमेंट है, जब टूटेगा वो वाला मोमेंट है, सबको दिख रही है ना फाइल, नहीं तो मैं ऐसी बड़बड़ कर रहा है, ऐसी तो नहीं है ना, जी सर गाइस ओके, और समझ रहा है क्या? हो सर ओके ओके ठीक है। सो ये पार्ट देख रहे हैं अपन ओके, कांस्टेंट रिस्ट्रेनिंग मोमेंट एमपी ऑफ द सेक्शन, कांस्टेंट रिस्ट्रेनिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन, अ स्ट्रक्चर कैन सपोर्ट द कंप्यूटेड अल्टीमेट लोड, कंप्यूटेड अल्टीमेट लोड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, अल्टीमेट लोड पे ही टूटेगा ऑब्वियसली, स्ट्रक्चर कैन बी सपोर्टेड अ कंप्यूटेड अल्टीमेट लोड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ वॉट, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज कैन सर्टन क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन कब होगा, जब आपका सबसे ज्यादा लोड वो ले सकता है, अल्टीमेट लोड यानी सबसे ज्यादा लोड, सबसे ज्यादा लोड वो जब ले सकता है तभी वो क्रिटिकल सेक्शन बनेगा। तो इसीलिए अल्टीमेट लोड को मैंने बार बार क्या बोला है आपको, जब बता रहा था मैं पूरे मैकेनिज्म्स में बता रहा था तभी मैं अल्टीमेट लोड को मैं कोलैप्स लोड लिख सकता, ultimate loads becomes a collapse load okay, the plastic hinge are formed first, plastic hinge are formed first, the section subjected to greater deformation like a curvature, greater deformation like a curvature, once upon board pe isko ek baar fir se dekh lete hain एक बार फिर से हम देखें।
थ्योरी आपको जो भी देखना है थ्योरी आप यहाँ से देखेंगे। थ्योरी थ्योरी के लिए मैं टाइम पास नहीं करना चाहता था, अगर मैं थ्योरी लिख के देता था ये सेक्शंस की तो मिनिमम 4 to 5 लेक्चर्स डिपेंड्स ऑन ओनली थ्योरी, बट थ्योरी डजंट आस्क इन योर एग्जामिनेशन विच यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, बट इट इज आस्क इन गेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सो दैट्स थ्योरी इट्स वेरी एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ओके सो क्या बोला है वहां पे प्लास्टिक में, प्लास्टिक में ये बोला है कि जब अल्टीमेट पे मेरा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट में मेरा लोड जाएगा, तो अल्टीमेट में मेरा लोड जाएगा, वी टॉक अबाउट माइल्ड स्टील, स्ट्रेन हार्डनिंग एंड देन फेल। ओके ये फिगर आपने अभी बुकलेट में भी देखी, ओके बुकलेट में भी ये फिगर हमने अभी देखी है। ओके सो दैट इज माय अल्टीमेट लोड, और अल्टीमेट स्ट्रेस, वी डिस्कस अबाउट लोड नाउ, लोड एंड डिस्प्लेसमेंट, डेल डिस्प्लेसमेंट एंड हियर इज लोड। ओके सो ये मेरा डब्ल्यू यू है। अब डब्ल्यू यू डब्ल्यू सी ही क्यों होता है और कैसी होता है वो वंस अगेन हम देख रहे हैं। ओके देखो सपोज मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा है, तो यहां पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म उन्होंने बोला है कि प्लास्टिक हिंज एक हिंज फॉर्म हो रहा है, दैट इज हिंज। तो हिंज क्यों फॉर्म हुआ गाइस, बिकॉज ऑफ ये बीम पे यहां पे मेरा डब्ल्यू यू एक्ट हुआ, तो उसने क्या कर दिया, अल्टीमेट लोड ने मेरा बीम को तोड़ दिया, बिकॉज ऑफ रिपीट एंड रिपीट लोडिंग के वजह से मेरे अल्टीमेट लोड ने, ये अल्टीमेट लोड, ये जो अल्टीमेट लोड है दैट इज डब्ल्यू यू, डब्ल्यू यू ने मेरा ये बीम को तोड़ दिया, तो क्या फॉर्म हो गया, क्रैकिंग इज फॉर्म। ओके क्रैकिंग इज फॉर्म, वेयर द क्रैकिंग इज फॉर्म, यहां पे आपका टूट गया, तो आपका सेक्शन कुछ इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, तो यहां पे क्या हो गया आपका डेल, डेल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके डेल डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये क्रैक हो गया, दैट इज नथिंग बट अ क्रैक, दैट इज कर्वेचर, जो भी कर्वेचर है क्या, अभी अभी 1 degree कर्वेचर, दैट 1 degree कर्वेचर है। ओके 1 degree कर्वेचर है, तो ये होने से यहां पे क्या हो गया, यहां पे हिंज फॉर्म हो गया, तो यही हिंज को मैं क्या बोलूंगा, और ये जो है ये स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, मैकेनिज्म बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैकेनिज्म, दैट इज नथिंग बट माय मैकेनिज्म, एंड दैट इज प्लास्टिक हिंज, दैट इज माय प्लास्टिक हिंज, जहां पे भी टूटेगा वो प्लास्टिक हिंज हो जाएगा, क्यों प्लास्टिक हिंज होगा, अल्टीमेट लोडिंग पे, तो द अल्टीमेट लोडिंग इज नथिंग बट अ कोलैप्स लोडिंग, स्ट्रक्चर को गिरा रहा ना, इसलिए कोलैप्स लोडिंग बोल सकता मैं उसको, क्या बोल सकता, कोलैप्स लोड बोल सकता। ओके अल्टीमेट लोड को ही मैं क्या बोल सकता, कोलैप्स लोड बोल सकता, क्यों, क्योंकि उसको क्रैक करके वो गिरा रहा है, उसको क्रैक, यहाँ पे ये जो है क्रैक करके वो उसको गिरा रहा है, उसको तोड़ के गिरा रहा है, तो तोड़ के गिरा रहा है, यानी वो क्या हो गया, मैकेनिज्म, दैट स्ट्रक्चर इट इज नथिंग बट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को आप जो अब मैं अभी हमने ये इस तरह बनाया है दैट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म, डब्ल्यू सी डेल थीटा लेफ्ट थीटा राइट। ओके इस तरह अपन ने जो बनाया है एमपी, एमपी जो हमने बनाया है दैट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म। Got it? What is mechanism? Okay. मैंने पूरे पूरे केसेस आपको बता दिए,
ये किस तरह टूटा है, क्या टूटा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं ये मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया. व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थ्योरी. ओके, लॉट ऑफ थ्योरी. मैं पहले के पहले पूरे केसेस लेना चाहता था, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. देन वी मूव अबाउट द थ्योरी. ओके, कि क्या थ्योरी है और अगेन क्या डीफ्स है. ओके, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड मैकेनिज्म. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड मैकेनिज्म. मैकेनिज्म कब होगा? जब वो फेलियर कंडीशन में आएगा, जब मेरा प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, जब मेरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा. क्रैक हो रहा, फेल हो रहा, यानी स्ट्रक्चर अनस्टेबल. स्ट्रक्चर क्या है? मैकेनिज्म में क्या रहेगा? स्ट्रक्चर अनस्टेबल रहेगा. स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अनस्टेबल रहेगा. ओके, तो मैकेनिज्म में मेरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल, प्लास्टिक हिंज फॉर्म द लोड. ओके, और जहां पे क्रैक रुक सकता वहां पे. अब आप बोलोगे, सर आपने तो मुझे हमको लिख के दिया है कि फिक्स पे भी क्रैक होगा. यस, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोमेंट कैरी कर सकता क्या? नहीं कैरी कर सकता. जहां पे मोमेंट कैरी कर सकता, जो सपोर्ट मोमेंट कैरी कर सकता, लाइक अ फिक्स सपोर्ट, वहां पे क्रैक फॉर्म होगा. वहां पे क्रैक फॉर्म होगा, जैसे कि यो कैंटिलीवर, यहां पे मैंने लोड लगाया W. सो कैंटिलीवर में क्या हुआ फिर? W लगाने के वजह से आपका यहां पे क्रैक हो गया. क्रैक हो गया और ये आपका एक डेल लोडिंग आ गया. आपका एक डेल लोडिंग आ गया. तो दैट इज योर मैकेनिज्म. अभी यहां पे क्या होगा? यहां पे प्लास्टिक इंच यहां पे फॉर्म होगा. एक ही प्लास्टिक इंच फॉर्म होगा. तो इसका मैकेनिज्म अगर मैं देखूं तो हाउ दिस मैकेनिज्म इज एक्ट, मैं इस तरह इसका मैकेनिज्म लिख सकता हूं. कैंटिलीवर का लिया नहीं है हमने, इसलिए मैंने निकाल के दे दिया. ओके, आई होप सो. मैं कैंटिलीवर का लिया नहीं है, सिंपली सपोर्टेड फिक्स एंड वन एंड फिक्स वन एंड इंच, दैट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर. ये हमने लिया सिर्फ और सिर्फ कैंटिलीवर के लिए देख रहे. सो W इंटू डल, W इंटू डल ये रहेगा और यहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा. यहां पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा और ये डिस्टेंस इज L. तो आपका डेल इट इज इक्वल टू L थीटा. यहां पे थीटा है सपोज. दैट इज थीटा. तो आपका डेल इट इज इक्वल टू, डेल इट इज इक्वल टू L थीटा. ये आपका कैंटिलीवर के लिए मैकेनिज्म रहेगा. कैंटिलीवर क्या के लिए क्या रहेगा? दैट इज मैकेनिज्म. क्या हो रहा? टूट रहा ना, स्ट्रक्चर ही टूट रहा. तो दैट इज कैंटिलीवर के लिए मैकेनिज्म. टूटने वाली जो भी डायग्राम रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म बोलेंगे. ओके, सो कहां-कहां पे क्रैक फॉर्म होगा? जहां जहां पे मोमेंट कैरी कर सकता, कैरी कर रहा है अंडर द पॉइंट लोड. अगर मेरे दो तीन पॉइंट लोड है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, तो दो दो मैकेनिज्म बनेंगे अलग अलग. ओके, पहले इसके लिए, देन इसके लिए, जो भी क्रिटिकल है उसके लिए. यानी कैसे? आउट, सपोज हियर इज फिक्स, हियर इज वन लोड W1, देन W2 या फिर W2. ओके, अब W1 W2 और देन दिस इज रोलर, वन एंड फिक्स वन एंड रोलर इज नथिंग बट वॉट? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम. ओके, सो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के लिए सबसे पहले ये क्रिटिकल पकड़ के चलते, तो ये मैकेनिज्म बनेगा. W U2 1 U2 ये डेल टू W2 के नीचे W2. ओके, सो पहले ये क्रिटिकल किया तो ये मैकेनिज्म वन हो गया. पहले क्रिटिकल कौन गया? टेक W1 इज क्रिटिकल, लेकिन ये एजम्पशन है, तो W2 भी क्रिटिकल मुझे करना पड़ेगा. तो दो मैकेनिज्म बनेंगे
अब ये दो मैकेनिज्म तीन मैकेनिज्म क्यों बनेंगे, नंबर ऑफ मैकेनिज्म क्या बनेंगे, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या, इसकी भी थ्योरी सामने, ये भी हम देखेंगे। ओके, प्लास्टिक थ्योरी इज ह्यूज चैप्टर, उसको सिंपलेस्ट में लेना यानी उसको जितना भी काम में है वो पहले पढ़ना, देन उसके बाद में थ्योरी पढ़ना, दैट इज वेरी ह्यूज चैप्टर। ओके, दैट इज एमपी 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 कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। ओके, हम ये करने वाले भी है अपने नेक्स्ट जो भी अपने ये रहेंगे एग्जांपल्स रहेंगे वहां पे हम करने भी वाले हैं, लेकिन कैसे कैसे मैकेनिज्म्स आपको करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द मैकेनिज्म्स? ओके, यहाँ पे क्यों नहीं एमपी लिखा, बिकॉज ऑफ दिस इज रोलर, मोमेंट कैरी नहीं कर सकता, फिक्स मोमेंट कैरी कर सकता, वहां पे टूट सकता, वहां पे फ्लक्चर हो सकता, दैट्स व्हाई वी टेक इट एमपी। ओके, इफ इट इज कॉन्स्टेंट एमपी, हाँ देखिए ट्वाइस एमपी थ्राइस एमपी ऐसी भी आपको एग्जांपल में देखे रहेगा, तब आपको वो भी लेना पड़ेगा, वो अपन एग्जांपल के वक्त देखेंगे। ओके, नाउ वी टेक इट क्रिटिकल अबाउट दिस, डब्ल्यू यू टू डब्ल्यू यू वन दैट इज सेकंड मैकेनिज्म। अब कौन क्रिटिकल पकड़ रहा हूं मैं, W2 क्रिटिकल पकड़ो, W2 क्रिटिकल पकड़ो, तो दूसरी बार टूट सकता, किसके वजह से टूट सकता, W2 के वजह से टूट सकता, W2 के वजह से टूट सकता, WU बोलो W2 बोलो WC2 बोलो वो ताद से। ओके, क्योंकि टूट ही रहा है, टूट रहा है यानी कोलैप्स लोड ही है, अल्टीमेट लोड ही है और लोड ही है। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर इज एमपी एमपी These are the second mechanism. Mechanism two. Mechanism two. Okay. Take WU2 is critical. WU2 is critical. I hope so. आपको plastic hinge कहाँ कहाँ पे form हो रहा है ये भी अभी समझ ही आओगा. Okay. और क्यू एम पी एम पी मैंने अभी तक ये 9 केसेस में लिखा था वो भी अभी समझ गया होगा, व्हाट इज मैकेनिज्म ये भी अभी समझ गया, सामने बढ़ते हैं अपन वहां पर। ओके, देखो लिख लिया ना वो बोर्ड पे, स्क्रीन शेयर रखू ना मैं या स्क्रीन शेयर थोड़ी देर में रखू, आपने बोर्ड का लिख लिया ना गाइस? हाँ सर। ओ सर। ओके, देखो फिर यहाँ पे द पॉसिबल प्लेसेस प्लास्टिक हिंज इन स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, इसका डायग्राम निकाल के मैंने बताया, एट फिक्सन एट रिजिड जॉइंट एट इंटरनल सपोर्ट्स, इंटरनल सपोर्ट्स जो भी इंटरनल सपोर्ट्स रहेंगे बीच वाले वहां पे होगा। ओके, अब ये इंटरनल सपोर्ट क्यों नहीं बताया मैंने, अभी आपका कंटिन्यूस बीम आने का, तो कंटिन्यूस बीम जब रहेगा तो इंटरनल हिंज पे भी इंटरनल सपोर्ट पे भी आएगा, नहीं पता है इंटरनल सपोर्ट का भी मैंने बताया जब पहले सेक्शन निकाल के दिया, एट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, एट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन ये अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रहेगा, यानी अगर आय है और बाद में ही सेम बीम में टू आय है तो क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट अ प्रिज्मेटिक बीम, तो जहाँ पे प्रिज्मेटिक बीम नहीं है वहाँ पे जहाँ पे सेक्शन चेंज कर रहा है वहाँ पे भी मेरा प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा। एट द चेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल भी चेंज होगा तो होगा, पहले स्टील का है आधा मटेरियल और आधा मटेरियल ब्रास का है तो वहाँ पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा क्योंकि वहाँ पे टूटने के चांसेस रहेंगे। At the point of zero shear, please note this point in your book. या आपने ये तीन पॉइंट आप फिर से जहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रहा है आप लिख लो। जीरो शेयर यानी क्या होगा, चांस ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे ही एमपी फॉर्म होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा तो ही टूटेगा तो ही फ्लक्चर आएगा, दैट्स व्हाई। प्लीज आप जहां पे मैंने प्लास्टिक हिंज लिख के दिया था वहां पे आप ये नोट कर लो,
ओके आई होप तो आपने नोट कर लिया होगा. नेक्स्ट शेप फैक्टर. व्हाट इज शेप फैक्टर वी डिस्कस प्रीवियसली वेरी ब्रीफली. ओके सो व्हाट इज शेप फैक्टर द रेशियो ऑफ फुल्ली प्लास्टिक मोमेंट ऑफ द सेक्शन टू द यील्ड मोमेंट. अब देखो आप बोलेंगे सर आपने तो इलास्टिक मोमेंट बोला. गाइज इलास्टिक मोमेंट इज नथिंग बट अ यील्ड मोमेंट. व्हाई वी टॉक इन योर मैं बोर्ड पे आपको बता देता व्हाट इज यील्ड मोमेंट. ओके सो देयर इज अ स्ट्रेसटेन डायग्राम. ओके अब स्ट्रेसटेन डायग्राम में सबसे पहले ये मेरा इलास्टिक पॉइंट है दैट इज माय बी पॉइंट. इलास्टिक पॉइंट तो यहां तक इलास्टिसिटी दैट बी पॉइंट दैट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट ए पॉइंट दैट अपर यील्ड पॉइंट सी पॉइंट यहां से यहां तक नॉन इलास्टिक में गया और दैट लोअर यील्ड पॉइंट सपोज हियर इज लोअर यील्ड पॉइंट डी पॉइंट. ओके सॉरी यहां पे होगा डी पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट. तो ये मेरा लोअर यील्ड स्ट्रेस जो भी है That is my lower yield point because of upper yield point is not stable. Upper yield point is not stable. Upper yield stress is not stable. That's why we take a lower yield stress. Upper yield stress मेरा जो भी मैं अगर sections की size, section वगैरह सब कुछ बढ़ा लेता या फिर मैं loading वगैरह बढ़ा लेता तो मेरा upper yield stress मेरा बढ़ सकता कम भी हो सकता. That's why it is not stable. तो stable कौन सा है? Lower yield stress is stable. That is lower yield stress. ये मेरा स्ट्रेबल है. We discuss about stress now. Stress and strength. Okay. मैं same table load और displacement के लिए भी ले सकता और मैं same table stress और strength के लिए भी ले सकता. Okay. So stress strength के लिए मैंने same table लिया है. तो यहाँ पे क्या है मेरा FY yield stress. यहाँ पे मेरा क्या है FY yield stress. ओके अब यही यील्ड स्ट्रेस बाबी मैं क्या कर रहा हूं कि ये मेरा डिजाइन स्ट्रेस है दैट यील्ड स्ट्रेस इज नथिंग बट माय डिजाइन स्ट्रेस और मैं इलास्टिक थ्योरी को मैं यील्ड थ्योरी भी बोल सकता हूं. बोलेंगे सर बाय गाइस इलास्टिक में हम क्या ले रहे हैं आपका जो भी स्ट्रेस आ रहा वो आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के नियर अबाउटली आ रहा और नियर अबाउटली वी टेक इट यील्ड लोडिंग तो वो यील्ड नीचे ही आ रहा. जब आप यहाँ पे देख रहे पूरा पूरा आप देख रहे तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस लग रहा है वही यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है. मे बी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नीचे भी हो सकता लेकिन जो भी इलास्टिक स्ट्रेस आपका लग रहा है दैट इज नथिंग बट अवर यील्ड स्ट्रेस यानी लोअर यील्ड पॉइंट जो भी है दैट लोअर यील्ड पॉइंट पे आपका जो भी स्ट्रेस लगेगा वहां पे सडन क्रैक आएगा फर्स्ट क्रैक आएगा एट द फर्स्ट क्रैक That first crack is occur 0.002 strength 0.002 strength पे that is nothing but a proof strength. वो proof strength पे आपका first crack आएगा और first crack पे ही आपका yield stress बोलेगा. तो वहां से मेरा structure regain its original shape after some crack एक crack उसमें रहेगा. तो उस theory को मैं क्या बोल सकता उस theory को मैं yield theory बोल सकता. That yield theory is nothing but an elastic theory. That elastic theory को ही मैं क्या बोल सकता elastic मैं बोल सकता equals to है नहीं बोल रहा both are different. Yield theory is different, elastic theory is different. But elastic theory में जो भी हम ये कर रहे हैं stress ले रहे हैं that stress is nothing but yield stress. और yield stress लेने के कारण मेरा जो भी FY है that FY it is my nothing but FY into sigma z it is nothing but my elastic section modulus into yield stress. Elastic section modulus into yield stress is nothing but elastic moment or yield moment. Okay. मैंने आपको लिख के दिया है क्या एम ई इट इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इंटू जेड ई और आप इसको ही बोल सकते दैट इज इलास्टिक मोमेंट दैट इज नथिंग बट इलास्टिक मोमेंट or we can say y e m y it is nothing but f y into
सिग्मा ई दैट इज नथिंग बट यील्ड मोमेंट बोथ आर द सेम प्लीज अंडरस्टूड अगर वहां पे यील्ड के जगह इलास्टिक मोमेंट भी लिखा है द शेप फैक्टर इज डेफिनेशन इज करेक्ट यील्ड के जगह अगर इलास्टिक भी लिखा है तो भी सेम रहेगा यील्ड के जगह इलास्टिक भी लिखा है तो भी सेम रहेगा और इलास्टिक की जगह इल्ड भी लिखा है तो भी सेम रहेगा बिकॉज ऑफ सेम कहां पे मोमेंट पे इल्ड मोमेंट पे ओके इल्ड थ्योरी इलास्टिक थ्योरी बोथ आर द डिफरेंट द मोमेंट इज सेम आई एम सेइंग व्हाट मोमेंट इज सेम यहां पर ओके इसके बाद जाऊंगे गो टू द प्लास्टिक प्लास्टिक में भी आप बोले सर आपने भी तो एफओआई लिया है लेकिन वहां पे झड़पी है वहां पे क्या है ZP है क्या नो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है क्या नहीं है वहां पे क्या है ZP है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस सो दैट्स व्हाई वी डोंट टेक दिस इन इलास्टिक इन नेचर दैट इज इन प्लास्टिक इन नेचर दैट्स व्हाई प्लास्टिक मोमेंट टू द इलास्टिक मोमेंट दैट इज नथिंग बट अ यील्ड मोमेंट इज नथिंग बट शिफ्ट फैक्टर ओके ओके गाइस देन मूव फॉर अगेन आवर PDF. Okay. Okay, guys. For ductile material like structural steel, a member reaching a yield at extreme fiber retains a reverse of stress. मैंने क्या बोला अभी? थोड़ा बहुत crack होके पूरा reverse आ सकता है. Okay. एक बार इलास्टिक ये लोअर यील्ड स्ट्रेस से बाहर चले गया प्लास्टिक में चले जाएगा तो भाई इलास्टिक अपन उसको बोल ही नहीं सकते दैट इज नथिंग बट ओके दैट वैरीज विद द शेप फैक्टर दैट वैरीज विद द शेप फैक्टर इट इज अ फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर्म और शेप और एंड रिप्रेजेंट बाय एस ये तो आपको पता है ओके एम वाई भी आप उसको बोल सकते हैं एम पी बाय एम ई बोलो या फिर एम पी बाय एम वाई बोलो बोथ आर द सेम देर इज नो डिफरेंस ओके प्लास्टिक मोमेंट टू द यील्ड मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट टू द इलास्टिक मोमेंट बोथ आर द सेम ओके प्लास्टिक थ्योरी यानी प्लास्टिक मॉडुलस जेड पी एंड जेड इट इज इलास्टिक मॉडुलस और वी कैन से इट इज जेड ई ओके अब ये तो हमने डिराइव किया है गाइस ये तो हमने पूरा का पूरा डिराइव कर लिया है ओके तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ओके फॉर गेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको ये याद रखना पड़ेगा ये पूरे डिराइव कर लिए हमने ओके इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ओके सो आई सेक्शन मैंने डिराइव नहीं किया है आई सेक्शन हम डिराइव अपन ये आई सेक्शन के सिर्फ अपन क्वेश्चन ये कर रहे हैं तो आई सेक्शन स्ट्रॉन्गर एक्सिस आई एक्स एक्स पे 1.11 रहेगा आई एक्स एक्स पे आई वाई वाई पे 1.55 रहेगा ये आपको प्लीज वीकर सेक्शन जो है आपका जहाँ पे आपका शिफ्ट फैक्टर कम आएगा दैट इज स्ट्रॉन्गर सेक्शन जहाँ पे वीकर सेक्शन है वाई वाई जहाँ पे आपका शिफ्ट फैक्टर ज्यादा आएगा ये भी आप ध्यान में रखना ओके वॉट इज योर लोड फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ लोड फैक्टर ओके क्यू What is your load factor? Collapse load factor भी आप उसको बोल सकते हैं. Collapse load to the working load. That is your load factor. Collapse load to the working load. That is Q. Q it is nothing but a load factor. It is the ratio of collapse load to the working load. Okay. Collapse load to the working load. That is your load factor. Collapse load. अब collapse load क्या है बाबा? Collapse load क्या है? तो collapse load क्या है? The load corresponding टू द फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म मैंने अभी बोला कोलैप्स लोड यानी जहां पे आपका सेक्शन टूटेगा जहां पे मैकेनिज्म कब फॉर्म होगा जब मेरा सेक्शन टूटेगा जब मेरा सेक्शन अनस्टेबल होगा तब मेरा मैकेनिज्म फॉर्म होगा तो मैकेनिज्म जब आपका फॉर्म हो रहा है तब आपका क्या हो रहा है जब आपका मैकेनिज्म फॉर्म हो रहा है मैकेनिज्म जब आपका फॉर्म हो रहा है तब आपका सेक्शन टूट रहा है जब आपका सेक्शन टूट रहा है तभी आपका मैकेनिज्म फॉर्म हो रहा है तो सेक्शन कब टूटेगा जब आपका कोलैप्स लोड आएगा जब आपका अल्टीमेट लोड आएगा दैट अल्टीमेट लोड इज नथिंग बट अ कोलैप्स लोड ओके द रिलेशन बिटवीन लोड फैक्टर क्यू एंड शेप फैक्टर एस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी
That is very, very, very important. Okay. Why? That Q, it is nothing but relation between load factor, shape factor, and factor of safety. For simply supported beam, for simple beam, the variation of bending moment with the load is linear. With the load is linear. Okay, load linear or a variation linear or a. So collapse load kya ho raha hai yahan pe q it is equals to wc by ww yani collapse load to the working load then mp it is equals to what is mp mp by working load yani main yahan pe load ko main mp by working load bhi bol sakta that is nothing but my plastic moment to the working moment by working moment it is my elastic moment वर्किंग स्ट्रेस लेते हैं हम WSM में WSM मेथड इट इज नथिंग बट इलास्टिक मेथड ओके सो वर्किंग स्ट्रेस और वर्किंग मोमेंट ओके वर्किंग मोमेंट हम कहाँ पे लेते हैं इलास्टिक में लेते हैं तो अभी मेरा लोड फैक्टर जो भी है अब इलास्टिक का ही बात कर रहे हैं हम इलास्टिक थ्योरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे इल्ड थ्योरी भी यहाँ पे आ रही है लेकिन पूरी पूरी नहीं ओके सो वी डिस्कस अबाउट एफ वाई इंटू जेड पी डिवाइड बाय एफ इंटू जेड ई वर्किंग मोमेंट इट इज नथिंग बट एफ इंटू जेड ई ओके एफ इंटू जेड ई एफ वाई नहीं आएगा अभी यहाँ पे एफ इंटू जेड ई आएगा तो एफ डिवाइड बाई एफ वाई इट इज जेड पी बाई जेड ई इट इज नथिंग बट एस तो एफ डिवाइड बाई एफ वाई एफ डिवाइड बाई एफ वाई इंटू एस दैट इज नथिंग बट अ फैक्टर एफ ओ एस इंटू एस वॉट इज एफ ओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट इलास्टिक डिजाइन तो एफ क्या है बाबा ये दैट एफ एफ इट इज नथिंग बट permissible or working stress permissible stress or working stress okay working stress is different yield stress is different please note that working stress is different and yield stress is different okay fy it is yield stress fy it is yield stress f it is working stress yield stress mera jo steel ka rehta hai wo kitna rehta hai 250 mpa mera rehta hai okay agar main f permissible stress rakhu इसके लिए तो वो परमिसिबल स्ट्रेस मेरा 140 एमपीए फॉर माइल्ड स्टील रहता है ये भी मुझे पेज नंबर 82 टेबल नंबर 22 में मुझे देखे आईएस 456 में सिग्मा एसटी की वैल्यू फॉर एम कितने के लिए गाइस फॉर सिग्मा एसटी की वैल्यू फॉर एफई 250 के लिए 140 है और आप एफवाई अगर देखे 250 के लिए यानी माइल्ड स्टील के लिए तो वो 250 है सो दैट्स व्हाई 250 divided by 140 that is nothing but a factor of safety that factor of safety into s it is nothing but a q that is nothing but a load factor ab bolenge sir nahi samajh raha so yahan pe example dekhe hai we go to the example q it is shape factor into factor of safety as used in design used in elastic design used in elastic design example ye aapke syllabus ka part hai okay ye university syllabus ka part hai lekin poochte nahi because ab unko kuch lena dena nahi hai deep mein leke jane ka unko sirf aur sirf ye lena dena hai ki shape factor kya hoga ye nikal ke do aur mera collapse load factor kya hoga ye nikal ke dekho but the basic wo hi nahi dikhta okay so yahan pe dekho yahan pe kya hai क्या बोला है 1.25 आपका एस है तो आपका एस इट इज इक्वल टू 1.25 है सॉरी 1.15 है सॉरी 1.12 है एस इज इक्वल टू 1.12 तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या रहेगा एफ डिवाइड बाय एफ वाई तो आप बोलेंगे सर एफ डिवाइड बाय एफ वाई अभी ये 0.66 एफ वाई अभी कहाँ से गया तो गाइस 0.66 एफ वाई इज परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ये मुझे देखिए परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इट इज गिवन इन द एग्जांपल एक्चुअली इट इज गिवन इन द एग्जांपल आपको एग्जांपल में देखे रहता 0.66 एफ वाई दैट इज परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस ओके और आप 1.7 भी ले सकते हैं ओके सो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस आपने ये ले लिया तो 1. आपका क्या हो गया एफ डिवाइड बाई 0.66 यानी आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इट इज नथिंग बट 1.515 ये देखो एफ वाई डिवाइड बाई एफ प्लीज नोट दैट एफ वाई डिवाइड बाई एफ ये मैं आपको ऐसी क्यों बता रहा मैं लिख के क्यों नहीं दे रहा बोर्ड पे
बिकॉज ऑफ यहाँ पे पूरा का पूरा लिख के है, अच्छे से लिख के है, आप यहाँ से जाओ और आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। ओके फिर से वही वही चीज लिख के दो, ये करो, डोंट गो दिस, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते, ज्यादा आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गेट के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए, वही आप गेट के लिए अगर अच्छे से पढ़ ले, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या के लिए, गेट के लिए ये। ओके और यूनिवर्सिटी में ये नहीं पूछने वाले, यूनिवर्सिटी में नहीं पूछने वाले, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की एग्जाम ऑनलाइन हो गई तो ये पूछने वाले, और ये आपको ये क्वेश्चन आपको आपके साइन फाउंड्री में वगैरह वगैरह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गेट में भी मैक्सिमम ये पूछते नहीं है। गेट में मैक्सिमम आस्क क्या होता है? आस्क यही होता है, शेप फैक्टर ही होता है। ओके ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ईएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, वहां पे पूछा जाता है। ओके कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफ वाई बाय एफ, एफ इट इज व्हाट, 0.66 एफ वाई, तो आपका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब लोड फैक्टर मेरा क्या हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू लोड फैक्टर इज नथिंग बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू 1.12, इट इज इक्वल्स टू 1.7। ओके दैट इज माय लोड फैक्टर। लोड फैक्टर निकालने के लिए आता है। ओके लोड फैक्टर क्यों निकालने के लिए आता है? जो भी आपकी डिप्लोमा एग्जाम्स होती है वो डिप्लोमा एग्जाम्स में लोड फैक्टर निकालने के लिए आता है। अगर आप डिप्लोमा एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो गया आपके, ये भी हो गए, कौन से इरिगेशन हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गए, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछते हैं, छह फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज यूज्ड इन इलास्टिक। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ क्या है, एफ वाई बाय एफ वाई, एफ वाई बाय एफ क्या है, एफ वाई बाय 0.66 एफ वाई, तो ये 1.515। आप ये परमिसिबल अगर जो भी आपको देखे, परमिसिबल स्ट्रेस आपको जो भी देखे वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखे है एक्चुअली एग्जांपल में, यहाँ पे लिख के होने को ना, यहाँ पे हरदम 0.66 एफ वाई नहीं रहेगा। ओके तो ये हो गया, देन आपने 1.7 ये हो गया, तो 1.7 डेड लोड प्लस लाइव लोड एज एज पर IS 800 अपने को स्टील के लिए लगने वाला है, IS 800 स्टील के लिए अपने को लगने वाला है 2007, IS 800 2007, ये मैं आपको अभी दे रहा हूँ, आपको जेरोक्स करके इसकी लगना है, जब आपका सब कुछ खुल जाएगा, यानी क्या खुल जाएगा, दुकान वगैरह खुल जाएगा तब। लोड फैक्टर फॉर ग्रेविटी लोड्स डेड लोड प्लस लाइव लोड इट इज इक्वल टू 1.7। व्हाट इज लोड फैक्टर विथ विंड? अब ये विथ विंड वाला वगैरह है तो यहाँ पे आपको उतनी जरूरत नहीं है लेकिन आप ले सकते हैं। विंड फैक्टर फॉर लोड फैक्टर विथ विंड, एफ ओ एस इंटू शेयर्ड फैक्टर डिवाइड बाय 1 प्लस एडिशनल परसेंटेज ऑफ स्ट्रेसेस अलाउड इन विंड। सो 1.3 एज पर IS 800 2007। ओके 1.3 आपका आता है, तो ये भी आपको यहाँ से सामने आपको पढ़ना है। मैं यहाँ पे अभी आपका ख़त्म करता हूँ क्योंकि 10:30 हो गया, आपका लेक्चर होगा, मैं इसके बाद वाले जो भी है टॉपिक्स मैं बाद में यानी नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेता हूँ। पूरे पूरे टॉपिक अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे, पूरा अपन ये थ्योरी जो है अपन कवर कर लेंगे, जो भी अपने मुझे लगता है कि आपको बोर्ड पे मुझे बताना है वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। ओके तो बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है ये प्लास्टिक थ्योरी, लेकिन प्लास्टिक थ्योरी में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। ओके दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे, ये अभी हमने देख लिया है, ये जो मैकेनिज्म्स है, मैकेनिज्म्स हमने देख लिए है, यूनिक मैकेनिज्म्स, इतने सारे मैकेनिज्म्स रहेंगे, तो मैंने मे बी 11 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये केस अभी बताने का रहा था, जो भी अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने बता दूंगा मैं। ये केस भी इंपॉर्टेंट केस है जो लास्ट अपना अभी हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट केस, ये जो है प्रॉप्ड कैंटिलीवर इट इज इंपॉर्टेंट केसेस एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केस। अभी देखो यहाँ पे भी आपका मैकेनिज्म फॉर्म होगा, क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एमबी है और यहाँ पे 2 एमबी है, या फिर यहाँ पे एक सेक्शन मेरा बड़ा है और यहाँ पे मेरा सेक्शन कम है, तो यहाँ पे मेरा प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा और यहाँ पे भी मेरा प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, तो यहाँ पे 2 मैकेनिज्म्स मेरे फॉर्म होंगे या फिर 2 प्लास्टिक हिंज मेरे फॉर्म होंगे। ओके ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके ओके गाइस वी विल मीट टुमारो।